चलिए, पिछले वीडियो में हमने देख लिया कि भैया हमारा एवेलेंस ब्रेकडाउन क्या होता है। अब वो वाली वीडियो को और इसको मैंने थोड़ा सोचा कि सेपरेट कर दिया जाए, इस वजह से ये मैंने नया स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अब पिछली वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था, हमने देख लिया ना नॉर्मल डायोड के अंदर एवेलांस ब्रेकडाउन वाली कंडीशन किस तरीके से अकर करती है, हमने देख लिया। अब जीनर डायोड हम समझते हैं, लेकिन ये जो जीनर डायोड है इसको समझने से पहले हम एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं कि जीनर डायोड में और नॉर्मल डायोड में दोनों में अंतर क्या होता है। उस अंतर को हम इस डायग्राम की मदद से समझ रहे होंगे। ये है हमारा नॉर्मल डायोड। अब ये नॉर्मल डायोड या जीनर डायोड, अगर मैं दोनों की ही बात करूं, इसका पहले ये डायग्राम अपन एक काम करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से यहाँ से ये डायग्राम कंप्लीट हो रहा होगा। क्या होगा, यहाँ पर रिवर्स बायस वाली कंडीशन लगने वाली है, यहाँ पर रिवर्स बायस वाली कंडीशन लगने वाली है। ये होगा आपका प्लस, ये होगा आपका माइनस, जैसे यहाँ पे दिया गया है, और ये है आपकी बैटरी। अब इन दोनों डायोड्स वाली कंडीशन में सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होता है कि ये दोनों भैया रिवर्स बायस में लगे होंगे, ठीक है, और ये दोनों के दोनों पी एन जंक्शन डायोड ही होते हैं। अब अंतर क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड है, जो आपका नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड है, उस नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड में जो डोपिंग रहती है, जो हम इम्प्योरिटी को डोप करते हैं, वो लाइट होता है। मतलब कि जो आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड रहता है वो होता है लाइटली डोप्ड, इसमें डोपिंग बहुत ज़्यादा कम करी जाती है। और जो आपका जीनर डायोड रहता है वो आपका हैवीली डोप्ड वाला रहता है, हैवीली डोप्ड रहता है। अब क्योंकि क्योंकि ये लाइटली डोप्ड है, कहने का मतलब क्या है कि इसके पी टाइप वाले रीजन में कम होल्स होंगे, इसके एन टाइप वाले रीजन में कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे एज कंपेयर टू हैवीली डोप्ड वाला जीनर डायोड। देखो, यहाँ पे मेन अंतर जीनर डायोड और नॉर्मल डायोड में सिर्फ एक होता है कि भैया ये जो हमारा नॉर्मल डायोड होता है उसमें डोपिंग कम होती है, और ये जो हैवीली डोप्ड वाला रहता है वो होता है हमारा जीनर डायोड। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवीली डोप्ड है, यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा कि आपको पी टाइप में नंबर ऑफ होल ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिख रहे हैं। वही नॉर्मल डायोड में पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स भी कम है और वहाँ एन टाइप में नंबर ऑफ डायोड भी कम है, तो ये डिफरेंस रहता है दोनों में। अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, उधर साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल के पेयर्स बने हुए हैं ना, ये क्या करते हैं, इधर साइड में जो भी होल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिफ्यूज़ होना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिफ्यूज होना शुरू कर देते हैं। एकदम लेमैन, एकदम गधे वाले टर्म्स में मैं आपको समझाऊं ना, तो ऐसा समझो कि सपोज ये हमारे चार डब्बे हैं, इसको मैं क्या करूं, एक सेकंड रुकना, ये है हमारे चार डब्बे, ये है हमारे चार डब्बे, ठीक है, ये बीच में है आपकी डिप्लीशन लेयर। जाहिर सी बात है कि हम जितना ज्यादा यहां पे कंटेंट भरते जाएंगे, जितना ज्यादा इस बॉक्सेस में, ये जो बड़े बॉक्सेस हैं, यहाँ कंटेंट, यहाँ बॉल्स को भरते जाएंगे, उतना ज़्यादा ये बीच वाली लेयर से स्क्वीज होती जाएंगी। क्या होगा, स्क्वीज होती जाएंगी। ठीक उसी तरीके से जितना ज़्यादा चार्जेस हम एन टाइप और पी टाइप में डालते जाएंगे, जितना ज़्यादा डोपिंग हम हैवीली करते जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा डिप्लीशन लेयर स्क्वीज होता जाएगा। और ये स्क्वीज होने का कारण सिर्फ एक है, क्योंकि यहाँ अपोजिट चार्ज है जो कि होल है, और इस साइड में नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन है। और होल और इलेक्ट्रॉन में कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे एटम्स होते हैं, या ऐसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होते हैं जो आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, जो यहाँ डिप्लीशन लेयर रहती है वो थिन होती है। कैसी होती है भैया, थिन होती है। ठीक उसी के अपोजिट नॉर्मल साइड में जो डिप्लीशन लेयर होती है वो थोड़ी थिक होती है। कैसी होती है भैया, थिक होती है। क्या ये कीन डिफरेंस हमें समझ में आ गया कि जो नॉर्मल डायोड होता है वो लाइटली डोप रहता है, वहाँ पे डोपिंग कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका डिप्लीशन लेयर थिक होता है, बड़ा डिप्लीशन लेयर होता है। ठीक उसी के अपोजिट यहाँ जीनर डायोड में फ़र्क क्या होता है, जीनर डायोड हमारा नॉर्मल डायोड जैसा ही होता है रिवर्स बायस कंडीशन में, मगर यहाँ डोपिंग थोड़ी हैवी होती है, और हैवी डोपिंग की वजह से डिफ्यूजन अकर करता है, डिफ्यूजन की वजह से डिप्लीशन लेयर थिन होती जाती है। कैसी होती जाती है भैया, थिन होती जाती है। वीडियो चालू है क्या? हाँ भैया, वीडियो चालू।
ठीक है, अब इतनी चीज हमें समझ में आ गई, क्या अब हम बढ़ सकते हैं, क्या अब हम बढ़ सकते हैं अपने जीनर डायोड के डेफिनेशन की तरफ। हाँ जी भैया, अ जीनर डायोड इज अ स्पेशल डायोड, एक सेकेंड, हाँ, अ जीनर डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड डिजाइन टू रिलायबली अलाउ करंट टू फ्लो बैकवर्ड व्हेन अ स्पेसिफिक रिवर्स वोल्टेज नोन एज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज एज रीच। नहीं समझ में आया भैया, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन ही नहीं समझ में आई। अब समस्या क्या होती है कि इस डायग्राम को, चलो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके समझा देता हूं। इस डायग्राम को हम थोड़ा और अच्छे तरीके से समझेंगे तब जाके हमें ये चीजें समझ में आने वाली। क्या रहता है कि जब हमें क्या पता है कि जो डिप्लीशन लेयर रहता है वहां पर डिप्लीशन पोटेंशियल यानी कि एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है, हमें पता है कि ये डिप्लीशन लेयर जहां पर होती है वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि बैटरी से जो करंट पास हो रहा है, बैटरी से जो करंट सर्कुलेट होना चाहिए वो उतना अमाउंट ऑफ करंट सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पोटेंशियल बैरियर लगा हुआ है। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट अपोज किया जाता है किसकी मदद से, पोटेंशियल बैरियर की मदद से। अब कहने का मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा चौड़ी डिप्लीशन लेयर होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर होगा, जितनी ज़्यादा चौड़ी डिप्लीशन लेयर होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर होगा और जितना ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा। कितनी छोटी सी चीज़ है कि भैया जितना ज़्यादा लंबा, जितना ज़्यादा बड़ा, जितना ज़्यादा थिक डिप्लीशन लेयर होगा उतना ही ज़्यादा बड़ा पोटेंशियल बैरियर होगा, जितना बड़ा पोटेंशियल बैरियर होगा उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा करंट को जो कि बैटरी से सर्कुलेट होना चाहता है। इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमारे पास एक जीनर डायोड आया और जीनर डायोड क्या कहता है कि भैया यहाँ पे जो ये आपको डिप्लीशन लेयर वाली समस्या आ रही है ना, हम इसको ख़त्म कर देंगे। हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही पतली सी है, आपको क्या करना है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है और बहुत ही कम वोल्टेज में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। अब ये जो कम वोल्टेज मैंने बताया इससे क्या समझ में आता है कि जहां पे यहां 5 से 8 वोल्टेज में ही करंट पास होना शुरू हो जाएगा वहीं यहां पे मोर देन 8 वोल्टेज लगते हैं करंट को पास कराने के लिए। अगर ये मैंने क्यों लिखा है 8 वोल्टेज, क्या होता है कि जो हमारा पोटेंशियल बैरियर रहता है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको ये चीज समझाई है कि आपका जितना पोटेंशियल बैरियर है एटलीस्ट आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी में उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रखना पड़ेगा ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सको। अगर पोटेंशियल बैरियर से भी कम बैटरी में पोटेंशियल होगा ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। वहीं पे जीनर डायोड में क्या होता है, ये मांगता है कि आपकी बैटरी में अगर कम भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो हम अपने आप से करंट को फ्लो कराने देंगे क्योंकि हमारा पोटेंशियल बैरियर ही कम है, पोटेंशियल बैरियर तो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। नॉर्मल वाली कंडीशन में वही चीज़ होती है, भैया पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ी बैटरी को लगाना पड़ेगा, ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी को लगाना पड़ेगा। ये कुछ कुछ चीज़ें हमें समझ में आई क्या? अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो आपका जीनर डायोड रहता है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। कैसे भैया? वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, बैरियर कम होता है, इसकी डिप्लीशन लेयर थिन होती है जिसकी मदद से क्या होता है इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ईजिली पास हो जाती है। अब जैसे हम यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन वाली कंडीशन देखते थे जिसमें क्या होता था, रिपेलिंग चार्ज बनता था, यहाँ पे चार्ज कैरियर्स जाके कोलाइड करते थे, यहाँ पे क्या होता था कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया जाता था और ये डिप्लीशन लेयर ही पूरी टूट जाती थी, है ना। उसके लिए लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज सप्लाई चाहिए होता है। उसी के अपोजिट यहाँ पे कोई भी एवलांच ब्रेकडाउन जैसी कंडीशन नहीं बनती है। जीनर डायोड में आपको कोई भी ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी वाला खेल नहीं होता है,
यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि आपने जैसे ही 5 से 8 वोल्टेज की बैटरी लगाई तो क्या होता है, यहाँ क्योंकि प्लस है, प्लस वाली कंडीशन की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू कर जाती है। क्योंकि डिप्लीशन लेयर बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से डायरेक्ट पास होना शुरू करती है। अगर आपका मिनिमम सपोज 2 से 3 वोल्टेज अगर आपके पास बैटरी में पोटेंशियल है तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू कर जाती है। और जो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स बने हुए हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी में जितना ज़्यादा एनर्जी है वो सफिशियंट होता है कि इस छोटे से डिप्लीशन लेयर को वो इजीली ब्रेक कर दे और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको अपने साथ मूव करवा दे। क्या करवाते हैं? अपने साथ मूव करा देते हैं। तो यहाँ कोई भी ऐसा फंडा नहीं लगता है। अब ये जो मिनिमम वोल्टेज मैंने बताया ना, मिनिमम वोल्टेज तो चाहिए होता है भैया कि ताकि हम डिप्लीशन लेयर के साथ मूव करवा सकें, ताकि हम डिप्लीशन लेयर को विद द हेल्प ऑफ करंट ही तोड़ सकें। ये मिनिमम कितना होता है? 2 से 3 वोल्टेज आप रफ मान के चलो। ये ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना ही होगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस कि आपने कितनी डोपिंग करी है उसके हिसाब से ये वेरी करता रहता है। फॉर एन एग्जांपल अभी समझो कि मिनिमम ये 2 से 3 वोल्टेज तो होता ही होता है, या फिर आपका ये 5 से 8 वोल्टेज के बीच में वेरी करता है ये स्टैंडर्ड। इतनी चीज़ हमें समझ में आई क्या कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी का यूज हो रहा है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और वो इतने छोटे से डिप्लीशन लेयर को तोड़ देती है। यहाँ पे दोनों जगह पे डिप्लीशन लेयर का ब्रेकडाउन ही हो रहा है, दोनों जगह पर डिप्लीशन लेयर टूट रही है। इस जगह पे जहाँ पे डिप्लीशन लेयर टूट रही है उसे हम कहेंगे एवलांच ब्रेकडाउन, और यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर टूट रही है उसे हम कहेंगे ज़ीनर ब्रेकडाउन। बस नाम का फर्क है। अब इन ज़ीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में फर्क क्या होता है कि एवलांच ब्रेकडाउन वाली जो कंडीशन रहती है वहाँ डिप्लीशन टूटती तो है लेकिन ज़्यादा वोल्टेज पर, वहाँ डिप्लीशन टूटती तो है मगर ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई लेकर। वहीं उसके अपोजिट में ज़ीनर डायोड में भी डिप्लीशन टूटती है मगर कम वोल्टेज सप्लाई के साथ। तो इसका जो डायग्राम बनता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है, इसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम बनता है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। वो कैसे बनता है इंटरेस्टिंग? ये जो VZ मैंने लिखा है, यहाँ पे Z डिनोट कर रहा है कि ज़ीनर डायोड में हमने कितना वोल्टेज लिया। अब इस एक्सटर्नल सप्लाई को आप बहुत ही ज़्यादा कम भी रखोगे ना तब भी ये आपकी वोल्टेज जो ब्रेकडाउन वाली कंडीशन है वो अचीव हो जाएगी। मगर अगर यहीं पे मैं कंपेयर करूं एवलांच ब्रेकडाउन की, अगर उसका ग्राफ में साइड बाय साइड बनाऊं तो उसको बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है। ये VA है, ये एवलांच वोल्टेज है, जो एवलांच ब्रेकडाउन के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर ये आपको यहाँ पे आपको 2 वोल्ट चाहिए है एक्सटर्नल बैटरी से तो यहाँ पे आपको 5 से 8 वोल्टेज इसको मान के चलो आपको 8 वोल्टेज लग जाते हैं। इसी का डायग्राम मैं आगे अच्छे से बनवा दूंगा, अभी एज ऑफ नाउ इसको आप समझो। अब इसको पढ़ो, अब दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अ ज़ीनर डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड डिजाइन टू रिलायबली अलाउ करंट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टूटा टाटी नहीं होती है। ज़ीनर जो हमारा डायोड है उसको कोई भी नुकसान नहीं होता है, बड़ी ही ईजिली हमारी डिप्लीशन लेयर टूट जाती। ठीक उसी तरीके से टू फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन अ स्पेसिफिक रिवर्स वोल्टेज कितना हुआ भैया हमारा 2 से 3 वोल्टेज होगा या 5 से 8 वोल्टेज के बीच में होगा, नोन एज ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये जो वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया ना जितने में क्या हुआ ज़ीनर ब्रेकडाउन वाली कंडीशन मिल गई, उसी को हम कहते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इस रीच। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं भैया ज़ीनर ब्रेकडाउन हमने ऑलरेडी देख लिया, मैंने अभी आपको समझाया ज़ीनर ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी आप मूव करवाओगे ना, जब जैसे ही आप थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करोगे इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी और वो अपने साथ ही डिप्लीशन लेयर के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को मूव कराने लगती है, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जल्दी छोड़ देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के साथ करंट के साथ मूव करना शुरू कर जाते हैं। इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। ये जो हमारा ज़ीनर डायोड रहता है उसका सिंबल कुछ ऐसा रहता है, नॉर्मल डायोड में ये जेड वाली चीज़ नहीं होती, लेकिन ज़ीनर डायोड में हम क्या करते हैं ऐसा बनाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं भैया एक जेड। ये बन गया हमारा ज़ीनर डायोड, यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस, यहाँ लगा दिया हमने प्लस। ज़ीनर ब्रेकडाउन अकर्स इन अ ज़ीनर डायोड व्हेन अ रिवर्स वोल्टेज हायर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है डिप्लीशन लेयर को तोड़ने के लिए जितना वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है उससे ज़्यादा वोल्टेज की एक बैटरी लगाते हैं, इज अप्लाइड कॉजिंग अ कंट्रोल्ड स्टेबल फ्लो ऑफ रिवर्स करंट। रिवर्स करंट कौन सा? जो मैंने आपको बताया ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है अपने साथ डिप्लीशन लेयर के इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाती है, तो वो वाली कंडीशन आती है यहाँ पे, स्टेबल फ्लो होता है रिवर्स करंट का, उसी को हम कह रहे हैं रिवर्स करंट।
रिवर्स करंट क्यों कह रहे हैं भैया? रिवर्स करंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो रिवर्स बायस कंडीशन में लगा हुआ है, बस इसीलिए उसको रिवर्स करंट कहा जाता है। तो ये हमें जेनर ब्रेकडाउन और जेनर डायोड वाली कंडीशन क्या समझ में आ चुकी है? क्या अब आपको कोई भी समस्या है इस चीज़ में? दोबारा समझ लो, एक बार और समझ लो। क्या होता है कि जो हमारा जीनर डायोड रहता है वो नॉर्मल डायोड से इस कदर डिफरेंट होता है, नॉर्मल डायोड में डोपिंग कम रहती है, डोपिंग कम रहती है, डिप्लीशन लेयर ज़्यादा थिक होता है, डिप्लीशन लेयर ज़्यादा थिक है तो क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा बड़ा होता है। क्या क्या हुआ दोबारा समझो, नॉर्मल डायोड में डोपिंग लाइट होती है, डोपिंग कम होती है, पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा होता है क्योंकि डिप्लीशन लेयर बड़ी होती है। उसी के अपोजिट जीनर डायोड में डोपिंग ज़्यादा होती है, डोपिंग ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बहुत पतली हो जाती है। और डिप्लीशन लेयर पतली का मतलब क्या है कि भैया पोटेंशियल बैरियर बहुत कम होगा, मतलब कि बहुत कम एक्सटर्नल बैटरी अगर हम लगाएं, बहुत कम वोल्टेज की एक्सटर्नल बैटरी अगर हम लगाएं तो भी करंट वहां से फ्लो कर जाएगा। तो जीनर डायोड एक बैलेंस्ड फॉर्म है और मेनली आपको जो वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं ना, जो आपके घर में स्टेबलाइजर्स लगे हुए होते हैं, भैया फ्रिज ख़राब ना हो, भैया हमारी एसी, हमारा टीवी ना ख़राब हो, तो जो वोल्टेज रेगुलेटर्स हम लगाते हैं ना उसके अंदर हमारे जीनर डायोड्स लगे हुए होते हैं क्योंकि ये ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास होने देते हैं। क्या इतनी चीज़ हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी। चलिए अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है जो आगे वाले डायग्राम में आपको समझाता हूँ। ये सब मेरे ख्याल से आप नोट करते जा रहे हो, एक सेकेंड नोट तो करवाई दूँ, वरना बोलोगे भैया नोट नहीं करवा रहे हो, क्या बात है। इस चीज़ को आप नोट कर लो, इस डायग्राम को नोट करो, इस चीज़ को आप नोट कर लो। एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इस डायग्राम को आप नोट करो, ये आपका जीनर ब्रेकडाउन वाला डायग्राम है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉर जीनर डायोड। उसके बाद ये वाला डायग्राम नोट कर लो आप एक बार, इस डायग्राम को नोट कर लो, रेफरेंस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि भैया नॉर्मल डायोड से कैसे, किस तरीके से हमारा जीनर डायोड डिफरेंट है, समझ में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद जीनर ब्रेकडाउन ये भी नोट कर लो, ये वाला सिंबल जरूर बना लेना, थोड़ा सा जरूरी होता है। ठीक है, चलो अब ये एक एग्जांपल मैंने एप्लीकेशन लिख दी थी, ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर है जिसके अंदर हमारा जीनर डायोड यूज होता है और उसके बारे में मैंने ये चंद शब्द लिख दिए, इसको भी आप नोट कर लो, एप्लीकेशन में लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, लास्टली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे क्या हुआ कि एग्जाम में रिसेंटली अभी काफ़ी टाइम पे ये पूछने लगा कि जीनर ब्रेकडाउन में और एवलांच ब्रेकडाउन में क्या डिफरेंस है वो आप हमें बताओ। तो ये है भैया कुछ कुछ डिफरेंस। अब एक चीज़ मैं आपको बताना शायद भूल गया कि जो नॉर्मल डायोड्स होते हैं, क्योंकि वहाँ काइनेटिक एनर्जी का यूज़ हो रहा है, कोलिजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जैसे ही आप वोल्टेज सप्लाई बढ़ाओगे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है भैया कि जहाँ कोलिजन है, जहाँ बॉन्ड्स का ब्रेकेज है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ होगा। क्या जीनर डायोड में, जीनर ब्रेकडाउन में ऐसी कोई कोलिजन वगैरह वाली कंडीशन थी? नहीं थी। इस वजह से यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने की वजह से कोई भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ये वाला लास्ट पॉइंट है, मैंने सोचा कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए इसका डिफरेंस कैसा है भैया? यहाँ पे अगर हम जंक्शन डोपिंग की बात करें तो यहाँ जंक्शन डोपिंग ज़्यादा होती है भैया। जेनर ब्रेकडाउन में, जेनर डायोड में हम डोपिंग ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन, क्योंकि ये नॉर्मल डायोड के अंदर हो रहा है तो क्या हो रहा है, जंक्शन डोपिंग हमारी लाइट है, कम है, लाइटली डोप्ड है। जो डिप्लीशन लेयर रहती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, वहाँ पर डिप्लीशन लेयर थोड़ा ज़्यादा थिक होती है। यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर कम है तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से जल्दी पास कर सकती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो पाती है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी वीक रहती है। यहाँ पे जो वोल्टेज, जो बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी आप एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करोगे ना, वो जनरली 5 से 8 वोल्ट के बीच में रहता है और यहाँ पे 8 से ऊपर रहता है। दूसरी चीज़ कि इसका जो शार्प, इसका जो वीआई कर्व है, आगे है क्या आपने पास? नहीं, मैं उसको नहीं डाला शायद। जो इसका वीआई कर्व रहता है वो एज कम्पेयर टू, एक सेकेंड मैं काम करूंगा, देखो एक काम करूंगा अभी इस जगह पे, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा वीआई कैरेक्टरिस्टिक वाला जो कंपैरिजन वाला डायग्राम है एवलांच का और जीनर का, तो वो आप बना लोगे। उसमें आपको क्या समझ में आ रहा होगा, उसमें आपको देख के क्या समझ में आ रहा होगा, एक सेकेंड वही वाली स्लाइड ले लो। इसमें आपको देख के क्या समझ में आ रहा होगा कि भैया जो आपका एवलांच है उसका जो कर्व है वो बहुत ज़्यादा, उसका जो कर्व है बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है। जो आपका जीनर ब्रेकडाउन वाला ग्राफ दिख रहा होगा उसका कर्व बहुत ज़्यादा शार्प है, मतलब कि एक सर्टेन पॉइंट पे ही अचानक से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जा रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, आई वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। लेकिन जो एवलांच वाला पार्ट है, एवलांच वाला जो कर्व है उसमें एक स्लोप, एक स्टीप दिख रहा होगा,
एकदम अचानक से एकदम रैपिड इंक्रीज नहीं दिख रहा होगा, एक स्टीप दिख रहा होगा और वहां पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, फर्क कुछ ऐसा होगा। ये देखो बना के दिखा दूं क्या, नहीं नहीं एवलांच में कुछ ऐसा दिख रहा होगा, इस तरीके से कुछ स्टीप दिख रहा होगा और जो आपका जीनर है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। क्या इतनी चीज़ हमें समझ में आई? हाँ जी, भैया समझ में आ चुकी, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये पॉइंट स्किप कर देना, कुछ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में आप इसमें 5 पॉइंट भी लिख के आओगे ना, बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद VI कैरेक्टरिस्टिक, और ये टेम्परेचर वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भैया जीनर डायोड में अगर हम ब्रेकडाउन की वजह से कोई भी टेम्परेचर राइज नहीं होता है, वहीं नॉर्मल जो एवलांच ब्रेकडाउन रहता है क्योंकि वहाँ कोलिजन वगैरह ज़्यादा होते हैं तो टेम्परेचर का इंक्रीज हमें देखने में मिल रहा होता है। क्या इतनी चीज़ें हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, ये हमें जो डिफरेंस है वो भी क्लियर हो चुका है। अब इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद चीज़ों को इतना कामली इतना अच्छे तरीके से सुनने के लिए, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी तरफ जितने भी मैं नोट्स अच्छे से बना रहा हूँ, डायग्राम्स मैं इतने ज़्यादा क्यों रखता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। मेरा फोकस है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई ना, बुद्धि में घुस गया, तो आप जाहिर सी बात है अपने शब्दों में भी एग्जाम में लिखोगे ना तो आपको अच्छे से आएगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लिखवा दूंगा, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, तो क्या होगा, लिखा भी रहेगा तो वो एक कॉपी में बंद होकर पड़ा रहेगा, आप उसको खोल के भी देखने वाले हो क्योंकि समझ नहीं आए। आप यहाँ से समझो, चीज़ों को लेके जाओ, जो भी नोट्स में लिखवाता जा रहा हूँ, जो भी मैकेनिज्म में लिखवाता जा रहा हूँ, जो भी डिफरेंस में लिखवाता जा रहा हूँ, उसको नोट करते जाओ, चीज़ों को रिवाइज करो और अपना ध्यान रखो। बहुत बहुत धन्यवाद।